ऑल गुड। आपका पहचान? अच्छा, मेरा नाम मानसी भट्ट है, मैं प्रोजेक्ट एंजल्स की डायरेक्टर एंड राइटर हूँ। प्रोजेक्ट एंजल जो अभी जो प्रोजेक्ट बने, इनका राइटर और डायरेक्टर आप ही हो? यस आई नहीं नहीं नो आई एम नॉट, आई एम, मैं लड़की हूँ, पर मुझे शो उनके साथ जरूर बनाना था। तो क्या मतलब सोचा क्या था, मतलब एक थॉट कैसे आए कि एक ट्रांसजेंडर के ऊपर बनाना चाहिए? क्योंकि जो ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को अब तक लिया नहीं गया है उस तरीके से, तो मुझे एक शो बनाना था जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक मौका मिले अपना ग्लैमरस और मॉडलिंग वाला साइड दिखाने का। लेकिन ट्रांसजेंडर के ऊपर बहुत सारी मूवीज बने, शॉर्ट फिल्म बने, बहुत बहुत चीज़ बने, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बने, लेकिन बहुत कुछ कहानी है, लेकिन आपका कहानी क्या अलग, कुछ अलग क्या दिखाने वाले हैं? मेरे उसमें कहानी ये है कि अगर आप शोज और मूवीज और कुछ भी देखो, उनका जो जिंदगी उनकी जो दिखाई जाती है वो बहुत दुखी दिखाई जाती है। मेरे शो में उनकी दुखी, जो भी उनके साथ दुखद हुआ उसका कोई मेंशन है नहीं, क्योंकि वो उस तरीके से रहती नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से जीती हैं, वो बहुत हमसे ज़्यादा खुशी से जीती हैं। तो मुझे दिखाना था उन्हें एक उनके मॉडल वाले पर्सोना में, रादौर की उन पे बैठा के मैं उनको डॉक्यूमेंट्री लूँ और दुखी ट्यून डाल के बस लोगों को रुलाने का और उन लोगों को एक्सप्लॉइट करने का मौका ढूँढूँ। तो मेरे लिए ये शो एक फैशनेबल शो है, ये एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक शो नहीं है कि उनके साथ क्या हार्डशिप्स हुई हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है। ये उनको बोला कि आप मॉडल हो तो आप मॉडल की तरह आप बिहेव करोगे और आप अपने आप को उस तरीके से जनता के सामने लेके आओगे। लेकिन जिस तरह से आपने जो कहानी तैयार की है, तो आपका इंस्पिरेशन कैसा हुआ कि भाई इनके साथ आप कभी रुके थे, कभी मतलब मिले थे, कि इनके लाइफ स्टाइल कैसे, मॉडल स्टाइल कैसे, पार्टीज कैसे होती है, कैसे क्या होती है, इस तरह से आप पहले कोई मतलब आप ऑब्जर्व किया था? तो जब से मैं 13 साल की थी तब से हमने अच्छे से टीवी, बाकी सब इंटरनेट और ये सब देखना अच्छे से चालू किया था, तब से मेरा चालू हुआ था। इनकी कम्युनिटी पे मेरा इंटरेस्ट बहुत है, विदाउट बीइंग इन द कम्युनिटी मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है देखना कि एक जिसको आप बिल्कुल बाहर नीच उसको मानते हो कम्युनिटी को, वो कम्युनिटी हमसे ज़्यादा प्रॉस्पर करती है। उनको इनवाइट किया जाता है बहुत बहुत पार्टीज़ के लिए, उनको क्लब्स में परफॉर्मर्स की तरह इनवाइट किया जाता है, हम खड़े होकर उनको देखते हैं, उनके यहाँ रोप लगी हुई थी उनको परफॉर्म करते हुए हम देखते हैं। तो अब इस तरीके से मुझे यही पता चलता है कि उनकी वर्थ हमसे इस चीज़ में तो ज़्यादा ही है। और फिर उनको लगातार एक बुरे तरीके से दिखाना कि वो सिग्नल पे खड़ी हैं, वो कोई खुशी के माहौल में बाहर आके आपसे पैसे मांग रही हैं, कोई पैदा हो रहा है उसके यहाँ पे आके पैसे मांग रही हैं, वो नहीं दिखाना था मुझे, क्योंकि वो इनकी ज़िंदगी नहीं है, वो एक पार्ट है उनकी कम्युनिटी में थोड़े लोगों का। पर ये जो मेरी कंटेस्टेंट्स हैं वो बिल्कुल मॉडल्स, परफॉर्मर्स और एंटरटेनर्स हैं, उनके पास काम की ना तो कोई कमी है, ना तो उनको कोई अलग उससे हमने ट्रीट किया, ना तो हमें पता चला कि उनको किसी ने किया ट्रीट, एटलीस्ट वेल आशु। जिस तरह से आपने आपका जो मॉडल्स हमने देखे हैं तो ऐसे दिखाया गया बहुत खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन ट्रांसजेंडर बहुत मतलब जो लोग खूबसूरत नहीं है उनकी ज़िंदगी में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरह से उनको समाज बिहेव करना चाहिए? ऑनेस्टली खूबसूरती अगर कोई सामने बाहर से देखता है तो उस आदमी से मुझे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आदमी का विज़न अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप किसी की बाहर की सुंदरता देख के ही उनको आप इज़्ज़त दोगे तो वो इज़्ज़त आपकी काम की नहीं है। मेरे लिए ना तो कोई खूबसूरती का कोई मतलब पड़ता है, ना तो कभी पड़ा है, उनमें जो भी जैसा भी है मेरे लिए सब खूबसूरत हैं, क्योंकि उनकी अंदर से सोच, उनका दिल खूबसूरत है, मुझे उसी से ही मतलब है। तो ये जो आपका सीरीज है तो ये तो रिलीज हो चुके हैं 9 दिसंबर, लेकिन सबने देखा है, लेकिन हम लोग ने देखा नहीं, ओटीटी में, इस ओटीटी में है, लेकिन अभी क्या प्रतिशत आ रहा है, लोगों का क्या मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा और बहुत वार्म रहा है।
मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि मुझे बैकलैश मिलेगा इस पर, क्योंकि एक कम्युनिटी जिसको आप कभी भी नहीं लाते और वो कम्युनिटी बाहर आ रही है, इस तरीके से आ रही है, वो बहुत नई चीज़ है। तो वो जब रिलीज़ हुआ मेरा शो 20 दिसंबर को, तब जब मुझे रिस्पांस आया, मुझे ऑनेस्टली बिलीव नहीं हो पाया कि ये ऐसा रिस्पांस आ सकता है इस पर, क्योंकि मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस क्रॉस हो गई। लोग बहुत खुशी खुशी इस शो को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी का रिस्पांस आया। तो जिस तरह से देखिए अभी एक बॉयकॉट का माहौल चल रहा है, जैसे शाहरुख खान का बहुत बहुत सारे बॉयकॉट, जो दीपिका पादुकोण ने एक भगवा रंग पहना है, आप एक डायरेक्टर और राइटर भी है, आप बहुत करीब से समझते हो चीज को, किस तरह का होना चाहिए? आई बिलीव इन फैशन, फैशन ऑनेस्टली फैशन हिंदुत्व और ये सब नहीं देखता। आपको अगर आप फैशन की इंडस्ट्री में हो तो उस इंडस्ट्री में ये नहीं देखा जाता कि कौन सा कलर क्या है, पर अगर कोई कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो आप एड्रेस कर सकते हो उसे। अगर मेरे शो से किसी भी कम्युनिटी को होती है दिक्कत, तो मैं एड्रेस करके उस चीज़ को रिजॉल्व करूँगी, मेरे लिए ये है। बट अगेन, फैशन होल्ड्स नो बैरियर्स, फैशन इज लिमिटलेस। दूसरे आपका पर्सनल लाइफ में आता हूँ थोड़ा सा, कि आप बचपन से क्या बनना चाहती थी? ऑनेस्टली मुझे बनना मॉडल ही था, बट मैं मुझे तो लगा भी आप नहीं, तो मुझे फैशन बहुत पसंद है बहुत शुरू से। देन आई स्टडीड साइकोलॉजी इन कॉलेज, तो उससे एक बहुत अच्छा एक इंसाइट आया लोगों पे, लोगों के रहने के हालचाल जैसे वो रहते हैं, वो एक रीड करने का मुझे वो मिला। बट ऑल इन ऑल मेरा गोल था मिस इंडिया में जाने का, मेरा था मॉडल बनने का, बट नाउ नहीं, बट आई ट्राइड बीइंग अ डायरेक्टर एंड वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी निकली। एक्ट्रेस बनना चाहती थी, ट्राई भी नहीं किया, मॉडल बनना चाहती थी। अगर मौका मिलता तो हाँ मैं कर लेती, पर उस टाइम पे थोड़ा मेरे लिए हार्ड था, क्योंकि लड़की होने में बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं आपको, आपको इनसिक्योरिटीज होती हैं बहुत सारी, तो आप उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। पर अब डायरेक्टर होने की जगह पे मेरे कॉन्फिडेंस का बूस्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। तो दूसरा चीज़ है, जैसे ट्रांसजेंडर है, उन लोग को मतलब 14-15 साल जैसा पीरियड होता है लड़की का, उस वक्त पता चलता है कि वो एक ट्रांसजेंडर है, आपको ऐसा फीलिंग हुआ कभी? नहीं, क्योंकि मैं पूरी लड़की हूँ। आप लड़की हो, लेकिन ऐसा मतलब उस बचपन में आप सोचे कि ट्रांसजेंडर भी होती है उस टाइम पे? वो ही मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, तो हमारी सोसाइटी में अगर आप ट्रांसजेंडर सोचो, दो ही वर्ड्स आते हैं दिमाग में, वो दोनों गालियाँ होती हैं, उनको ऐसे ही एड्रेस किया जाता है मोस्टली। मैं शुद्ध हिंदी नहीं बोलती, तो मुझे नहीं पता अगर कोई और वर्ड है, पर नॉर्मली जब मेरी एज ग्रुप में जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, वो अच्छे नहीं होते। जब मैं छोटी थी तो सेम सोसाइटी के हिसाब से मुझे उनके बारे में इतना ही पता था कि वो सिग्नल पे खड़े होते हैं, आपको इनकी बद्दुआ नहीं लेनी होती, आपको ये करना होता है, वो करना होता है, और वो चीज़ मुझे बदलनी थी इस शो से लेके। तो लेकिन आपको जब इनके बारे में पता चला, तो लिखना शुरू किया, तो आपने कोई रिसर्च किया था इन लोगों के बीच में जाके, उनको पार्टीज में जाके? सो सालों से शो तो दिमाग नहीं था सालों से, बट द कम्युनिटी मेरे दिमाग में बहुत टाइम से थी। व्हेन आई स्टार्ट गोइंग टू क्लब्स जहाँ पे इनको परफॉर्मर के हिसाब से बुलाया जाता है, व्हेन आई मेट देम, मुझे लगा बहुत इजी गोइंग, बहुत सिंपल रहने वाले, बहुत ग्लैमरस रहने वाले, बहुत सीधे साधे भी हैं, बहुत खुश भी रहते हैं, बहुत थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं सबके, एवरी वन इज डिफरेंट। तो माई शो, मेरा बस मोटिव था दैट आई वांट टू मेक इट डिफरेंट। लेस्बियन भी होती है? यस। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप, लेस्बियन के ऊपर भी एक शो आ रही है? तो सी अगेन, LGBT कम्युनिटी फाइनली इंडिया में रिकग्निशन आ तो रही है, पर अभी भी उस तरीके से नहीं आ रही जिस तरीके से आनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो अभी हम उनको एंटरटेनमेंट में ला के हम होप कर रहे हैं कि आगे जाके हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो गवर्नमेंट, उनको एक्सेप्ट करना हर तरीके से चालू करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है जैसे हम भी हैं, हम साथ में चलेंगे तो वी विल बी हैप्पी। जिसके मन है, तो
सॉरी जिसके आपने अपना चॉइस, हाँ तो चॉइस जिसकी जैसे भी है रहने की, वो उसकी उसकी मर्जी है. हम किसी को रोक के कुछ नहीं बोल सकते, हम किसी को रोक के नहीं बोल सकते कि मत करो. मेरा ये था कि अगर आप ये कर रहे हो तो मैं तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, और खुशी खुशी करो अपने आप, आराम से आप जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो मेरे शो में. दूसरे जैसे आप ट्रांसजेंडर उनके पार्टीज में गई, कभी लोग दूसरे लोग आपको ट्रांसजेंडर समझ के? कभी भी नहीं, नहीं क्योंकि मैं हाँ नहीं मतलब ऐसा लगता है जो इन लोग देखो उनको लड़की लगते, ऐसा नहीं लगता है कि ट्रांसजेंडर है. नो आपको कोई ऐसे फीलिंग हुआ? नो कभी को बोला कमेंट किया पार्टीज में उनके पार्टीज में? नो पार्टिकुलर नो झूठ मत बोलिए. आपके पास है एक्सपीरियंस? ऐसा देखिए सुनिए अभी आगे दूसरा आप क्या लोगों को क्या ये संदेश देना चाहोगे आपके ये शो के जरिए क्या बदलाव होना चाहिए और कितना बदलाव होना चाहिए आजकल जो जनरेशन है इस जनरेशन में? ऑनेस्टली बदलाव शुरू तो होना चाहिए. आपके प्रीवियस क्वेश्चन से ही मुझे पता चल गया बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये जो शो है ये एक कम्युनिटी को लाया गया है. अगर मैं शो कोई और चीज़ पे ही बनाऊँ तो क्या आप ये अज्यूम करोगे कि मैं भी वही हूँ? अगर आप शाहरुख खान की मूवीज़ देखोगे आप क्या बोलोगे कि शाहरुख खान एक्चुअली गैंगस्टर है, क्या वो एक्चुअली डॉन है? तो नहीं, मेरा बदलाव यहीं से ही चालू होगा जो अभी आपने ही मुझे एग्जाम्पल दे दिया कि इंडिया में अज्यूम आप बहुत करते हो, आप पहले देख के नहीं, आप बोलते पहले हो सोचते बाद में हो. आप एक कम्युनिटी को ऐसा चांस दो जैसे आप चांस हर लड़के लड़की को देते हो. मेरा बस यही ऑब्जेक्टिव है इस शो के साथ. तो आगे आपका क्या, क्या और क्या आपका मन में है आगे फ्यूचर में आप और क्या करना चाहती हो जो लोगों के लिए और एक मैसेज जाए? फ्यूचर में मेरे बहुत सारे शोज के आइडियाज हैं. I want to create more shows with different genres. I want to go into crime. I want to go into psychological thrillers. I want to go into that. Hopefully, ye show ke baad I get the time to start writing on more projects. Thank you.